दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पी के एजुकेटर में। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है हमारी, यूपी स्कॉलरशिप की जो करेक्शन चल रहा है, करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं छात्र, वेबसाइट पर जो समस्या है उस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आपको भी पता है, हमको पता है, आप सबको पता होगा कि आज करेक्शन करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर, और ये जो डेट है 30 नवंबर ऐसे छात्रों के लिए है जिन्होंने फॉर्म 10 अक्टूबर तक फिल कर दिया था, और जिन्होंने बाद में जो पोर्टल खुला था फॉर्म फिल करने के लिए, जिन्होंने फॉर्म 1 से 20 नवंबर के बीच में फिल किया था उनके लिए करेक्शन डेट जो आएगी वो 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रहेगी। तो जो ये करेक्शन डेट आई थी 20 नवंबर से 30 नवंबर तक, ये उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिन्होंने फॉर्म पहले फिल कर दिया था 10 अक्टूबर तक। तो ये तो ठीक है कि करेक्शन हो रहा, करेक्शन के लिए वेबसाइट खुली, करेक्शन करें, लेकिन करेक्शन हो नहीं रहा। स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि वेबसाइट खुल ही नहीं रही, वो करेक्शन कर ही नहीं पा रहे, और आज अंतिम डेट आ गई। ठीक है, जब वेबसाइट खुली थी तो 2 दिन सही चली, उसके बाद से वेबसाइट बिल्कुल बैठ गई, ठप हो गई और करेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं फुल प्रूफ सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि अगर आपका वेबसाइट से करेक्शन नहीं हो पा रहा, ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं और आपके फॉर्म में गलती है, तो जाहिर सी बात है करेक्शन तो करना होगा, लेकिन फिर भी अगर वेबसाइट से नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन आपका करेक्शन नहीं हो पा रहा, तो आप ऑफलाइन करेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने फॉर्म को सही कराएंगे, वेरीफाइड कराएंगे डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। और एक रिक्वेस्ट करेंगे जैसा कि हमेशा करते हैं हम आपसे कि यदि आपने अभी तक पीके एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप की ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने हमने ओपन कर रखी है। यहाँ तो वेबसाइट ओपन हो जाती है, लेकिन जैसे ही करेक्शन के लिए छात्र लॉगिन करते हैं और उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद स्टेटस शो हो जाता है। स्टेटस शो होने के बाद जो कॉलम आता था आपका कि अपने फॉर्म को अपने आवेदन पत्र को संशोधित करें, वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो भी ओपन हो जाता है, किसी का ओपन भी नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पर केवल इनरोलमेंट नंबर चेंज हो रहा था। करेक्शन के लिए जब से भी साइट खुली है साइट अच्छी चल नहीं रही थी, आप ना तो बैंक का करेक्शन कर पा रहे थे स्टूडेंट्स, ना तो जो पिछले ईयर के मार्क्स गलत थे, मार्क्स वार्क्स सही हुए हैं शुरू के 2 दिन, ठीक है, उसके बाद से वेबसाइट बहुत डाउन हो गई है और इनरोलमेंट रोल नंबर वालों की प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है जो, उसमें कल एक विशेष सूचना जारी की गई थी, उसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी वीडियो दे रखी है। तो मुद्दा ये है कि आप लोगों को करेक्शन हो नहीं पा रहा आप लोगों के फॉर्म में, और करेक्शन डेट की आज करेक्शन की जो है वो लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो देखिए क्या करें आप, एक तो आप रात में ट्राई कर सकते हैं, रात में देखिए यूजर कम होते हैं, एक तो जैसे वेबसाइट खुली है करेक्शन के लिए तो इतने छात्रों के फॉर्म में गलतियां थी कि सभी छात्र लॉगिन कर रहे हैं वेबसाइट पर, बहुत लोड पड़ रहा है, यूजर बहुत अधिक होने की वजह से वेबसाइट सही चल नहीं पा रही, आप लोगों का करेक्शन हो नहीं पा रहा। तो आप लोग रात में ट्राई करिए 10-11 बजे, 12 बजे के बाद, 1-2 बजे, जितनी टाइम भी, क्योंकि फॉर्म तो सही करना पड़ेगा अगर आपके फॉर्म में गलतियाँ हुई हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि कुछ छात्रों के फॉर्म में कोई गलती नहीं है, उनका इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें सही हैं, पिछले ईयर के मार्क्स सही हैं, फिर भी उनका सस्पेक्ट है, सही उन्होंने फिल किया था फिर भी सस्पेक्ट है, उनका भी फॉर्म में करेक्शन के लिए बता रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि वो अगर स्टूडेंट्स श्योर हैं कि हमने जो डिटेल्स भरी थी फॉर्म फिल करते वक्त तो वो सही हैं, तो आप लोग करेक्शन ना करिए, आप करेक्शन के पीछे परेशान ना होइए, क्योंकि आपकी जो डिटेल्स हैं वो टेक्निकल इशू की वजह से हो सकता है कि वो सस्पेक्ट दिखा रही हूँ, वो अपने आप सही हो जाएंगी। अगर आप करेक्शन करते हैं तो फिर से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंटआउट कॉलेज में जमा करने होंगे, कॉलेज द्वारा फिर फॉरवर्ड होगा। और एक बात बता दें आपको, कुछ स्टूडेंट्स हमको कमेंट करते हैं कि सर हमारा करेक्शन तो हो गया है, करेक्शन हमने कर दिया है, लेकिन स्टेटस हमारा आप भी सस्पेक्ट है। तो मैं आपको बता दूँ कि स्टेटस तो अभी सस्पेक्ट रहेगा ही, आपके करेक्शन करते ही वो स्टेटस करेक्ट नहीं हो जाएगा, वो स्टेटस आपका करेक्ट तब होगा जब आप करेक्शन करने के बाद अपनी मार्क्स प्रिंट आउट और सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट करेंगे, कॉलेज वाले फिर समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड करेंगे, और फिर समाज कल्याण विभाग वाले जब उसको वेरीफाई करवाएंगे DIOS से, यूनिवर्सिटी से फिर से वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म करेक्ट होगा, वेरीफाइड होगा, अभी सस्पेक्ट नहीं हटेगा, ठीक है।
तो अब इन चीज़ों के बाद अब बात करते हैं कि आपके फॉर्म में जो जो कमियां हैं, अगर आप ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पाते हैं आज के बाद, अगर वेबसाइट नहीं खुलती है करेक्शन के लिए, खुली रहे तो आप लोग रात में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, रात में हो सकता है सुबह 4-5 बजे ट्राई कर लीजिएगा करेक्शन हो जाए। और अगर वेबसाइट आज से बंद हो जाती है करेक्शन के लिए तो अब 19 दिसंबर से ही खुलेगी, 19 दिसंबर तक आप वेट कर सकते हैं। अगर 19 दिसंबर से वाली करेक्शन डेट जो आएगी, अगर उसमें आपका करेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर इन सब में नहीं कर पाते हैं तो आपको ऑफलाइन मेथड बता रहा हूँ मैं कि ऑफलाइन करेक्शन आपको कैसे करना है अपने फॉर्म में। थोड़ा उसमें प्रोसेस है, लंबा है, लेंदी है, आपको जाना पड़ेगा, घर से नहीं होगा वो, लेकिन फिर भी अगर गलती है फॉर्म में तो उसको सही करवानी पड़ेगी, थोड़ी भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऑनलाइन हो जाता है तो कोई समस्या नहीं होने वाली। तो चलिए, आपके जो जो भी स्टेटस में आपकी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम वाइज मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताते जाता हूँ ऑफलाइन के बारे में। ऑनलाइन के बारे में देखिए, बता दिया हमने कि रात में ट्राई कर लीजिए, सुबह 4-5 बजे कर लीजिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। और ये ऑफलाइन प्रोसेस ये नहीं कि अभी आपको करना ज़रूरत है, आप 19 दिसंबर तक वेट कर लीजिए, अगर 19 दिसंबर वाले में भी ऑनलाइन हो जाए तो आप ऑनलाइन ही कर लीजिएगा, उसमें आपकी भाग दौड़ नहीं रहेगी। लेकिन अगर वहाँ भी आपका करेक्शन ना हो पाए तो फिर आपके पास एक ही चारा होगा, ये ऑफलाइन। और ऑफलाइन वाले के लिए अभी कोई जल्दी नहीं कि आज ही कल में आपको करेक्शन करवाना है, आप दिसंबर लास्ट तक करवा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ऑफलाइन प्रोसेस बताता हूँ कैसे क्या है, कि जिनका किस स्टेटस में क्या आ रहा है तो उनको क्या करना होगा। तो दोस्तों, स्टेटस वाइज मैं आपको सॉल्यूशन बताता जा रहा हूँ। देखिए, जैसे एक स्टेटस आपके सामने ये है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के स्टेटस में ये रीजन आ रहा है सस्पेक्ट का, कि इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो इनरोलमेंट नंबर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, तो इनरोलमेंट नंबर ये है, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं इंटर के बाद प्रोफेशनल कॉलेज में, तो आपका उस कॉलेज के द्वारा जब ऑनलाइन किया जाता है यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी से आपका एक पंजीयन क्रमांक यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर अथवा आप रोल नंबर डाल सकते हैं। अगर आप रिन्यूअल वाले हैं तो, अगर आप फ्रेश हैं तो आपको इनरोलमेंट नंबर ही फिल करना पड़ेगा, यानी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि तब तो रोल नंबर आपके पास होगा नहीं। और अगर आप रिन्यूअल वाले हैं तो आपने एक क्लास के पेपर दे चुके होंगे, उसका रोल नंबर आप डाल सकते हैं रिन्यूअल के मामले में, ठीक है। तो अगर ये ऑनलाइन आपका सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर आपको क्या करना है कि आपको समाज कल्याण विभाग जाना है, एक एप्लीकेशन लिखना है कि हमारा ऑनलाइन करेक्शन नहीं हो पा रहा है, इनरोलमेंट नंबर हमारा गलत हो गया था, वो इनरोलमेंट सही इनरोलमेंट नंबर आपको लिख के फिल करके देना होगा। साथ में स्टेटस की आप एक फ़ोटोकॉपी निकाल के समाज कल्याण विभाग में संपर्क करिए, वहाँ से आपका फॉर्म सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फॉर्म में इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो ने आपने भरा था वो सही भरा था, फिर भी वो सस्पेक्ट दिखा रहा है, तो आप परेशान ना होइए, वो अपने आप सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले स्टेटस की। तो देखिए, जो एक स्टेटस ये है कि और सारी चीज़ें इनका सब वेरीफाइड बाई बैंक है, करेक्ट है, और जो ये लास्ट में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो इनके फॉर्म में कोई टेंशन नहीं है इनके स्टेटस में, इनका केवल अब इस डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा वेरीफाई होना बचा है, बाकी इनके फॉर्म में कोई गलती नहीं है, वो शीघ्र ही दिसंबर लास्ट तक वो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा वेरीफाई हो जाएगा, और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपकी स्कॉलरशिप आने के चांस बढ़ जाएंगे। और दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने कल भी वीडियो डाली थी, आपका स्टेटस बिल्कुल ऐसे आना चाहिए। अगर आपका स्टेटस ऐसा आ रहा है तो आपके स्कॉलरशिप आने के चांस 100% है, ठीक है। देखिए, इनके फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन, फाइनल सबमिशन, ये सब सारी चीज़ें, तो खैर फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती हैं ऊपर की ये तीन चीज़ें। देखिए, इसके बाद इनका बैंक भी वेरीफाइड है, स्क्रूटनी रिजल्ट भी करेक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा वेरीफाई भी कर दिया गया है 11 नवंबर 2019 को शाम को 4:33 पे। अब इनका डिस्ट्रिक्ट से स्कॉलरशिप कमेटी से सब वेरीफाई है। अब अगर इनकी स्कॉलरशिप नहीं आती तो केवल एक स्थिति बनेगी कि फंड ना होने के कारण इनकी स्कॉलरशिप ना आए तो नहीं कह सकते, नहीं तो इनकी स्कॉलरशिप आने के चांस 100% है, जिनके स्टेटस में ये आ गया है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। एक स्टेटस देखिए ये आ रहा है कि नॉट प्रमोटेड आर फेल्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। यूनिवर्सिटी के अपलोड हिसाब डाटा से छात्र फेल थे, इन्होंने फॉर्म फिल किया है, लेकिन फिर भी अगर आप फेल नहीं थे, आप प्रमोटेड स्टूडेंट थे, तो आपको भी समाज कल्याण विभाग जाना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होगा, और साथ में अपने स्टेटस की ये फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। और यहाँ पर देखिए, जो इसमें दो रीज़न दिए गए हैं, पहला ऊपर है इसमें कि सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विद डिफरेंट फादर नेम। सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर, जैसे एक आय प्रमाण पत्र घर में है पिताजी के नाम से, और दो बच्चे हैं उनके, दोनों अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर दोनों ने उस आय प्रमाण पत्र को अपने अपने कॉलेज में जमा किया है,
इस वजह से ऐसा ये बता रहा है। तो पिछले वर्ष तो ऐसा था कि कॉलेज वाले में ही दो में एक लोग को अपने कॉलेज में अप्लीकेशन लिख के देना होता था कि मेरा एक भाई और शिक्षा ग्रहण कर रहा है या ये कोर्स कर रहा है तो उसने भी इस आय प्रमाण पत्र को यूज किया है तो वो सही हो जा रहा था। लेकिन इस वर्ष समाज कल्याण विभाग से ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि आप अपने कॉलेज में अप्लीकेशन दीजिए। तो आपको जाना है समाज कल्याण विभाग, अपने स्टेटस की फ़ोटो कापी लेके जाना है और अब एक अप्लीकेशन लिख लेना है कि मेरा एक और भाई है जो कि एक कोर्स कर रहा है, उस कॉलेज से कर रहा है, उसने भी इस यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है, उसने भी इस आय प्रमाण पत्र को यूज किया है और मैंने भी किया है। तो वो वहाँ से सही कर हो जाएगा आपका समाज कल्याण विभाग से। और ये यूपी बोर्ड वाला मार्कशीट का जो हमने कल आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको कॉलेज में एक अप्लीकेशन लिख के देना होगा, अप्लीकेशन लिखें चाहे ना लिखें लेकिन आपको अपने यूपी स्कॉलरशिप की वो सॉरी हाई स्कूल की, यदि आप यूपी बोर्ड के अलावा किसी भी बोर्ड से हैं, CBSE, ICSE और किसी भी बोर्ड से हैं, तो आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट और प्रमाण पत्र अगर अलग अलग हैं तो दोनों की, और अगर साथ में है तो फोटो कापी करके कॉलेज में जमा करना होगा। और एक दिक्कत और थी कि जो बैंक वाली दिक्कत थी, जिनका बैंक वेरीफाइड या नॉट एक्सेप्टेड बाई थ्रू PFMS था, तो जिनके बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लें, उनका बैंक अकाउंट चालू है, अगर चालू है तो उसमें लेन देन हो रहा है और सारी चीज़ें डिटेल्स आपने जो IFSC कोड हो गया, ब्रांच नेम हो गया, बैंक नेम हो गया, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें सही फिल हैं अगर आपके फॉर्म में और आपके अकाउंट से लेन देन हो रहा है तो आप परेशान ना होइए, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत है, चेंज करना है, करेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको समाज कल्याण विभाग ही जाना होगा। यानी कुल मिला के मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन प्रोसेस ये है कि या तो आप अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर ऑनलाइन नहीं करती तो आप कर सकते, तो आपके स्टेटस में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको अपने स्टेटस की फ़ोटो कापी निकाल के जाके समाज कल्याण विभाग में बात करनी होगी, वहाँ अप्लीकेशन देना होगा, तो वो मैनुअल तरीके से करेक्शन कर देंगे। और उनसे बताना होगा कि देखिए सर, वेबसाइट से करेक्शन नहीं हो रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही है, तो वो मैनुअल तरीके से आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे जो भी दिक्कत है और वो उसको सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन के अलावा जो ऑफलाइन प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अगर ये प्रोसेस आपको तब करना है जब आपका ऑनलाइन प्रोसेस वर्क ना करे, अगर ऑनलाइन प्रोसेस आपका वर्क कर रहा है, ऑनलाइन से आपका काम हो रहा है, तो आप भागा दौड़ी से बच सकते हैं, ऑफलाइन प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।